ओके पेज नंबर 78 यस प्लीज। क्या पढ़ा था हमने लास्ट? ठीक है ओके ट्रेडिशनल अप्रोच के दोनों क्वेश्चन हो गए थे। ओके नाउ लिसन प्लीज कंसेप्ट नंबर 4। लास्ट क्लास तक हम लोग कंसेप्ट नंबर 1, 2, 3 कवर कर चुके थे। पहले एनआई अप्रोच हुआ था, फिर एनओआई अप्रोच हुआ था, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ था। इसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4 लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 4 लिखिएगा आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस ऑफ एम एंड एम मोदी गिलानी एम मिलर आर्बिट्रेज प्रोसेस। इससे रिलेटेड हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। हां जी लिखिएगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा अनलीवर्ड कंपनी। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा अनलीवर्ड कंपनी, इसको अंडरलाइन करें और आगे लिखें। इट मींस द कंपनी इट मींस द कंपनी इन विच देयर इज नो डेप्ट कैपिटल। इट मींस द कंपनी इन विच देयर इज नो डेप्ट कैपिटल। अच्छा ये बात तो आप जानते हैं कि प्रेफरेंस कैपिटल इस चैप्टर में वैसे ही डिस्कस नहीं होता। अगर प्रेफरेंस कैपिटल भी नहीं है, डेप्ट कैपिटल भी नहीं है, तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि आपकी कंपनी में सिर्फ इक्विटी कैपिटल है? तो आप यूं कह सकते हैं कि जिस कंपनी में सिर्फ इक्विटी कैपिटल होता है उस कंपनी को कहा जाता है अनलीवर्ड कंपनी। जिस कंपनी में डेप्ट कैपिटल नहीं होता है उस कंपनी को अनलीवर्ड कंपनी कहा जाता है। अब लिखिएगा नंबर 2 लीवर्ड कंपनी। इसके आगे लिखिएगा इट मींस द कंपनी विच इज हैविंग डेप्ट कैपिटल अलोंग विद इक्विटी कैपिटल। ओके तो जिस कंपनी में डेप्ट कैपिटल भी होता है इक्विटी कैपिटल भी होता है उस कंपनी को लीवर्ड कंपनी कहा जाता है। सिंपल सा पॉइंट है कि अनलीवर्ड कंपनी किसे कहा जाता है, लीवर्ड कंपनी किसे कहा जाता है। अब लिखिएगा नंबर 3। नंबर 3 की हेडिंग डालेगा आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस इसके आगे लिखिएगा इट मींस द प्रोसीजर विच इज अडॉप्टेड बाय
इट मीन्स द प्रोसीजर विच इज अडॉप्टेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ लीवर्ड कंपनी. इट मीन्स द प्रोसीजर विच इज अडॉप्टेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ लीवर्ड कंपनी इन ऑर्डर टू स्विच ओवर हिज शेयर होल्डिंग इन ऑर्डर टू स्विच ओवर हिज शेयर होल्डिंग टू अनलीवर्ड कंपनी in order to obtain one of the following two objectives. One of the following two objectives. हाँ, तो हम क्या कहना चाहते हैं, आप पहले लीवर्ड कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपने लीवर्ड कंपनी के शेयर बेच दिए, हाथ में कैश आ गया, आपने उस कैश की मदद से अनलीवर्ड कंपनी के शेयर खरीद लिए. इसका मतलब आप लीवर्ड कंपनी से अनलीवर्ड कंपनी की तरफ स्विच ओवर करना चाहते, और आप ये जो स्विच ओवर कर रहे हो इसके पीछे आपके सामने दो में से कोई एक ऑब्जेक्टिव है, दोनों ऑब्जेक्टिव नहीं है, दो में से कोई एक ऑब्जेक्टिव है. ए, पहला ऑब्जेक्टिव लिखिएगा एक्स्ट्रा डिविडेंड इनकम. बी, दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखिएगा रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. अब ये कैसे प्रैक्टिकली अचीव किया जाता है, इस कंटेक्स में हमारे पास दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12. आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से. पेज नंबर 79 पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 79. हां जी, द फॉलोइंग इज द डाटा रिगार्डिंग टू कंपनीज एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू सेम रिस्क इक्विवेलेंट क्लास. आपके सामने कंपनी एक्स और कंपनी वाई की कुछ डिटेल्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, मार्केट प्राइस पर शेयर, 6% डिवेंचर्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. All profits after debenture interest are distributed as dividends. Explain how, under Modigliani and Miller approach, an investor holding 10% of shares in company X will be better off in switching his holding to company Y. ठीक है, पहली calculation होनी चाहिए डिविडेंड पर शेयर. शुरुआत करते हैं कंपनी एक्स से. क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ₹18,000. लेकिन ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है ना, आपके पास 6% डिवेंचर्स हैं ₹60,000 के, 6% डिवेंचर्स हैं ₹60,000 के, तो आप कितना इंटरेस्ट देते होंगे, ₹3,600. इंटरेस्ट माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो क्या है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, लेकिन टैक्स से पहले. पर टैक्स रेट आप मान तो सकते हैं नहीं,
इसका मतलब ये वो इनकम है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटी जाएगी। बताए कंपनी एक्स के इक्विटी शेयर कितने हैं? तो एक एक इक्विटी शेयर पर कितना डिविडेंड दिया जाएगा? 16 पैसे। आइए कंपनी वाई की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी वाई का जो टोटल प्रॉफिट है वही है 18,000 रुपए, पर कंपनी वाई को कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। इसका मतलब सारे 18,000 रुपए इक्विटी शेयर होल्डर्स में बटेंगे। वैसे इक्विटी शेयर्स हैं कितने? 1,50,000। आप डिविडेंड पर शेयर बताएं? 12 पैसे। देखिए हमें तो क्वेश्चन के सही होने पर डाउट लग रहा है। क्वेश्चन कहता है साबित करें कि अगर आपने एक्स की शेयर होल्डिंग को छोड़ दिया और आपने वाई के शेयर्स खरीद लिए तो आप फायदे में रहोगे। एक्स एक शेयर पर 16 पैसे का डिविडेंड दे रहा, मतलब एक्स के शेयर को मैं छोड़ दूं और वाई का शेयर खरीद लूं 12 पैसे का डिविडेंड, भाई कैसे फायदे में रहेंगे हम लोग? तो प्राइमा फेसी मुझे लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो सही नहीं है, लेकिन मुझे इतनी जल्दी कंक्लूजन नहीं देना चाहिए। अगर सवाल पूछा गया है तो जरूर इसके पीछे का कोई बेस तो होगा ही। आइए अब हम अपना आंसर शुरू करते हैं। हेडिंग डालेगा आर्बिट्रेज प्रोसेस। ये तो बस हमने कैलकुलेशन करी है, ये कोई हमारा आंसर थोड़ी था, ये तो हमने डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट कर दिया बस। आर्बिट्रेज प्रोसेस, इसमें लिखेगा स्टेप वन। मुझे आर्बिट्रेज प्रोसेस में साबित करना है, मैं फिर से बता दूं, एक्स के शेयर छोड़िए वाई के शेयर खरीदिए, साबित करिए कि आप फायदे में रहेंगे। लिखेगा स्टेप वन, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस द इन्वेस्टर इज होल्डिंग, द इन्वेस्टर इज होल्डिंग 9,000 शेयर्स ऑफ कंपनी एक्स। क्वेश्चन कहता है कि ये जो इन्वेस्टर है इसके पास कंपनी एक्स के 10% शेयर हैं। कंपनी एक्स के टोटल शेयर कितने हैं? 90,000। इसके पास कितने हैं? 9,000। हमें जो केस दिया गया है उसमें इन्वेस्टर के पास कंपनी एक्स के 9,000 शेयर हैं। आप कंपनी एक्स के शेयर को बेच दीजिए, जो रुपए मिले उनसे वाई के शेयर खरीद लीजिएगा। तो लिखेगा ही विल डिस्पोज ऑफ OFF, ही विल डिस्पोज ऑफ दिस शेयर होल्डिंग, he will dispose of this shareholding and realize rupees 10,800। क्या लिखा आपने? 10,800 रुपए। ब्रैकेट्स में लिखिएगा 9,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड विद रुपीज 1.20 पर शेयर। आपने अपने हिस्से के 9,000 शेयर बेच दिए 1.20 रुपए के रेट पर, आपको बेचकर क्या मिल गया? 10,800 रुपए। लिखेगा स्टेप नंबर टू। भाई स्टेप नंबर वन में हमें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना, स्टेप नंबर टू में लेकिन परेशानी हो सकती है। लिखेगा द इन्वेस्टर विल बोरो रुपीस 6,000
द इन्वेस्टर विल बोरो रुपीज 6,000 एट रेट ऑफ 6%. द इन्वेस्टर विल बोरो रुपीज 6,000 एट रेट ऑफ 6%. फुल स्टॉप. हेंस कॉमा टोटल फंड्स अवेलेबल विद हिम, टोटल फंड्स अवेलेबल विद हिम बिकम्स रुपीज 16,800. 16,800 आ गया ना, ब्रैकेट्स में लिखिएगा, 16,800 के ब्रैकेट में लिखिएगा 10,800 प्लस 6,000. अब आप बताइए, अगर 10,800 में 6,000 ऐड किया जाए तो क्या वो 16,800 आता है? आपकी तरफ से हां है, इसका मतलब आपको स्टेप नंबर टू समझ में आ गया. अगर 10,800 में 6,000 ऐड किया जाए तो क्या वो 16,800 आता है? इसका मतलब आपको स्टेप नंबर टू समझ में आ गया. अच्छा, अब ये सवाल पूछे ना, आप पहले पूछे थे 16,800 कहां से आया, तो जी वो तो 10,800 जमा 6,000. ओके ओके, तो मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी सवालों की तरफ लाना चाहूंगा. पहला सवाल कि ये आदमी लोन क्यों ले रहा है, दूसरा सवाल ये 6,000 का लोन क्यों ले रहा है, तीसरा सवाल 6% के रेट पर लोन क्यों लिया जा रहा है. मुझे इन तीनों सवालों को इंडिपेंडेंटली डील करना है, ये तीन अलग अलग सवाल है ना. हाँ जी, पहले मैं दूसरा सवाल उठाता हूं, ये आदमी 6,000 का लोन क्यों ले रहा है. इसका जवाब यह है कि अगर कंपनी 60,000 का लोन ले सकती है, कंपनी एक्स 60,000 का लोन ले सकती है, तो क्या ये इन्वेस्टर 6,000 का लोन नहीं ले सकता? अगर कंपनी एक्स 60,000 का लोन ले सकती है तो क्या ये इन्वेस्टर 6,000 का लोन नहीं ले सकता? ये इसका जवाब है. क्या आप ये बात मानते हैं कि किसी आदमी को लोन उसकी औकात देखकर दिया जाता है? औकात को इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटस, है ना. किसी आदमी को लोन उसके फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है, ये बात मैं ठीक कह रहा हूं ना, कोई शब्दों को मैं गलत प्रयोग तो नहीं कर रहा हूं ना. ये कहता है कि भाई साहब मेरे पास कंपनी एक्स के 10% शेयर है, इसका मतलब मेरी फाइनेंशियल वर्थ कंपनी एक्स के मुकाबले 10% है. तो अगर कंपनी एक्स 60,000 का लोन ले सकती है तो क्या मैं 6,000 का लोन नहीं ले सकता? मेरे ख्याल से लोन लेने का ये एलिजिबल पर्सन बनता ही है, कोई इसको मना क्यों करेगा? अगर ये बैंक में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराए और इसकी वर्थ साबित कर दी जाए तो बैंक इसको लोन क्यों नहीं देगा भला, सवाल ये उठता. एक तीसरा सवाल ये जी 6%, मेरे ख्याल से सबसे बेकार सवाल जी, भाई जब उन्होंने 6% के रेट पर ले रखा है हम भी 6% के रेट पर ले लेंगे. इसका मतलब सिर्फ एक जरूरी सवाल बचा हुआ है कि ये आदमी लोन क्यों ले रहा है, है ना. मेरे ख्याल से ये 6,000 का लोन ले रहा है, इस सवाल का जवाब हो गया. ये 6% के रेट पर क्यों ले रहा है, इस बात का जवाब भी हो गया. हां, ये लोन क्यों ले रहा है, मैं ये सवाल थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेता हूं. लिखिएगा स्टेप नंबर 3. आइए अब कंपनी वाई की तरफ चले, बताइएगा कंपनी वाई का एक शेयर कितने में मिलता है? 1 रुपए में. स्टेप नंबर 2 पढ़कर बताइए आपकी जेब में कितने रुपए हैं. 16,800 रुपयों में कंपनी वाई के 16,800 शेयर खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि उसका एक शेयर 1 रुपए में मिलता है. तो लिखिएगा स्टेप 3. विद अवेलेबल फंड्स ऑफ रुपीस, विद अवेलेबल फंड्स ऑफ रुपीस 16,800, 16,800 कॉमा द इन्वेस्टर विल बी एबल टू परचेज, द इन्वेस्टर विल बी एबल टू परचेज
16,800 शेयर्स ऑफ कंपनी वाई, एज इट इज अवेलेबल एट रेट ऑफ रुपी 1 पर शेयर। ठीक है ना, ये भी बड़ा सिंपल सा स्टेप है। आखिरी स्टेप लिखिएगा, स्टेप 4। स्टेप 4 में लिखिएगा, ड्यू टू द रीजन ऑफ अबव मेंशनड प्रोसीजर, कॉमा, द एडिशनल डिविडेंड इनकम, इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर, इज कंप्यूटेड बिलो। लिखेगा, डिविडेंड नाउ रिसीविंग फ्रॉम कंपनी वाई। अब हम कंपनी वाई के शेयर होल्डर बन गए। हमने कंपनी वाई के 16,800 शेयर खरीद लिए हैं। कंपनी वाई एक शेयर पर 12 पैसे का डिविडेंड देती, तो कंपनी वाई के अब हमारे पास जितने शेयर आ गए हैं उस पर हमें डिविडेंड कितना मिलेगा? ₹2016 माइनस डिविडेंड अर्लियर रिसीविंग फ्रॉम कंपनी एक्स, हम जब कंपनी एक्स के शेयर होल्डर थे तो हमारे पास उसके 9000 शेयर हुआ करते थे और हमें एक एक शेयर पर 16 पैसे का डिविडेंड मिला करता था, पर अब हम वो डिविडेंड सैक्रिफाइस कराए। कितना डिविडेंड हमने सैक्रिफाइस कर दिया? 1440। लेकिन स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको जो जबरदस्ती लोन दिलवाया है, जिस पर अभी डिस्कशन पूरा नहीं हुआ है, तो उस लोन पर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और अमाउंट ऑफ लोन है ₹6,000, ₹360 डिफरेंस, 216। भाई अगर मैंने आपका डिविडेंड ₹216 बढ़ा दिया है तो किस बात की नाराजगी? तो क्या बुरा क्या कर दिया हमने आपके साथ? बस कुछ जरूरी मुद्दे हैं ना जिन पर बहस करना अभी बाकी है, तो आइए एक एक करके मुद्दे उठा लेते। हाँ जी, पहला मुद्दा कि ये आदमी लोन क्यों ले रहा है। मैं एक बात कह दूं कि मैं कोशिश कर सकता हूं कि मैं आपको इनके रीजंस बताऊं, हालांकि इनके रीजन जो है मोदी ज्ञानी मिलर अप्रोच के हिसाब से है, तो ये कुछ एजम्पशंस हैं जो उन्होंने अडॉप्ट कर रखी। मैं कोशिश कर सकता हूं कि उन एजम्पशंस के लॉजिक को समझा सकूं, लेकिन फिर भी कोई भी पढ़ाई क्यों ना करी जाए वो कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड तो होती। आइए थोड़ी देर के लिए स्टेप नंबर 2 को रास्ते से हटा देते।
آپ کو اگر لون لینا اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو آپ لون مت لیجیے. سٹیپ نمبر ون کہتا ہے کہ آپ کے پاس 10,800 روپے ہے, تو آئیے 10,800 روپیوں کی مدد سے کمپنی وائی کے 10,800 شیئر خرید لیتے. ایک شیئر تو ایک روپے کا ہی ملتا ہے نا, مت لو لون زبردستی کس بات کی. اگر کمپنی وائی کے آپ کے پاس 10,800 شیئر آ گئے, ایک شیئر پر 12 پیسے کا ڈیویڈنڈ مل گیا, کتنا ڈیویڈنڈ مل گیا 1296 بس, اور چھوڑ کر کتنا آ رہے ہو 1404. یہ کون سی سمجھداری ہے بھائی. اگر یہ سچویشن فیوریبل بن رہی ہے نا تو اس لیے بن رہی ہے کیونکہ آپ نے لون لیا, وہ لون کی مدد سے سچویشن فیوریبل بن رہی. تو لون لے کر ہم نے کوئی برا کام نہیں کرا, اصل میں سمسیا آپ کے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کی ہے. لون شبد سے آپ کو نفرت ہے, اصل میں برا لگتا ہے آپ کو. ورنہ اگر میں کہتا یہ لون لے کر, لون لینا برا کام ہوتا ہے یہ بات آپ کو بچپن سے سکھائی گئی, اور اگر میں یہ کہہ دوں چلو لون لیتے ہیں تو بس اسی بات کا برا مان جاتے ہو کہ جی لون کیوں لیا جا رہا. لون لے کر بزنس مین سب سے اچھا کام کرتا ہے, ریزن بتا. فائنانشل مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ اگر یہ غلط فہمیاں پھیلائے گا کہ لون لینا بری بات ہے تو پھر کیسے ہمارا یہ ہمارا بزنس ہماری اکانومی سروائو کیسے کرے گی بھائی. دنیا کا سب سے سستا سورس آف فائنانس لون ڈیٹ, اس پر دیا گیا انٹرسٹ ٹیکس آپ کو بچا کے دیتا ہے. میں کہتا ہوں لون کے ساتھ برا ہے کیا کہ جو آپ اس کو اس نیگیٹو ایٹیٹیوڈ سے دیکھتے ہیں. لون ہی تو لیا ہے, کون سا برا کام کر دیا بھائی. آپ اپنی اچھی اپرچونٹی کو اپنے ہاتھ سے جانے کیوں دینا چاہتے ہیں. اگر 6,000 کا لون ملنے کا آپشن ہے, میں کہتا ہوں آپ اس آپشن کو پورا ایگزاسٹ کریے, جتنا مل سکتا ہے لون لیجیے. فائنانشل مینجمنٹ کی اسٹڈی اس ایزمپشن پر بیسڈ ہے, لون کو بری نظر سے دیکھنا بند کریں. لون ہے کیا 6% کے ریٹ پر لون ہے, تو اس کا مطلب اس کی کاسٹ بہت کم ہے, پر آپ نے اس لون کی مدد سے جو شیئرز خریدے ان شیئرز پر جو آپ ڈیویڈنڈ کماؤ گے وہ ڈیویڈنڈ کہیں زیادہ ہے. اس لیے لون لوگے تو سچویشن فیوریبل ہو کے رہے گی. یہ ہے ڈسکشن ایشو نمبر ون. ڈسکشن ایشو نمبر ٹو, ڈسکشن ایشو نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ انٹرسٹ دے, پر ایک دن لون بھی تو واپس کرنا ہوگا. آپ اس مدے پر بات ہی نہیں کر رہے ہو. اب اس مدے پر میں کیا بات کروں بھائی. اچھا لون کے پیسوں سے ہم نے کیا چھاپا, شیئر خریدے, جب بنائے گا شیئر بیچ دیں گے, جو پیسے آئیں گے کر دیں گے لون واپس. بھائی صاحب میں نے ان پیسوں کے شیئر خرید رکھے ہیں بھائی, میں لون کے بارے میں کیوں بات کروں. اچھا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں کیا لون کبھی لکھا جاتا ہے, کیا لکھا جاتا ہے, انٹرسٹ. تو میں نے انٹرسٹ پر بات کر تو نہیں, لون کے پرنسپل اماؤنٹ پر میں کیوں بات کروں بھائی, کیا فائدہ ہوگا اس پر بات کر کے. انٹرسٹ ایک ایکسپینڈیچر ہے, اس کا دھیان رکھا جا چکا ہے, بہتر ہے ہم ضروری مدوں پر بات کریں. ڈسکشن ایشو نمبر تھری, یہ آدمی لون لے کر وائی کے شیئر کیوں خرید رہا, یہ لون لے کر واپس ایکس کے شیئر کیوں نہیں خرید لیتا. اس پر ہمارا جواب ہے آپ اپنی حد پار کرنے کی کوشش نہ کریں. میں آپ کو آربیٹریج پروسیس پڑھا رہا ہوں ایم اینڈ ایم کا. آپ کہہ رہے ہو نہیں جی ہم اپنا پڑھنا چاہتے ہیں, ہم ہمارے رول چلیں. لو پھر فائدہ کیا, پھر اس کنسپٹ کا نام بدل کرو, کرنا کیا پھر اس کا. میں آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں, ایک آدمی نے کہانی لکھی. آپ ہر تھوڑی دیر بعد بیچ میں ٹوک دو تو نہیں جی نہیں جی پسند نہیں ہے, نہیں 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 یہ ایسے ہو یہ ایسے ہو, تو لو یا پھر ایسے تو کہانی نہ میں سنا سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہو. یہ میں نے کوئی آربیٹریج پروسیس کریٹ کرا. آربیٹریج پروسیس کی ہیڈنگ کیا ہے کہ ایک شیئر ہولڈر جو پہلے لیورڈ فرم کا ہے وہ ان لیورڈ فرم کا شیئر ہولڈر بننا چاہتا ہے, اس کا بیس ہی یہی ہے. آپ اس کا بیس بدلنا چاہتے ہو, بدلیے اپنے نام سے لکھ دیجیے اس کو.
हम क्या बढ़ रहे हैं, अच्छा क्या बढ़ रहे हैं, आर्बिट्रेज प्रोसेस ऑफ एम एंड एम, आर्बिट्रेज प्रोसेस ऑफ एक्स वाई जेड नहीं बढ़ रहे हम लोग। इसलिए अपनी बातें इसमें डालने की जबरदस्ती कोशिश ना करें, जो कंसेप्ट है सो है। जो आदमी कहानी सुना रहा हो उसको बीच में नहीं टोकना चाहिए, है कि नहीं। आप मुझे ये नहीं है, मेरे को ये पसंद नहीं, मेरे को ये पसंद नहीं, फिर आप कहानी नहीं सुन सकते, ठीक बात है ना। तो मेरे ख्याल से मैं एक कोशिश करिए कि मैं आपको बता सकूं कि ये सब क्या है। लेकिन इसमें लिसन ब्रीस, एक बात है, मैंने आपको आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्योरेटिकल नोट में लिखाया था कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है दो में से कोई एक। ये जो डिस्कशन हुआ है पहले ऑब्जेक्टिव पर हुआ, आपने डिविडेंड इनकम को बढ़ाने की कोशिश करी, ये दो में से कोई एक ऑब्जेक्टिव का पहला ऑब्जेक्टिव तो कहा जा सकता है, पर दूसरा ऑब्जेक्टिव अभी है नहीं, ठीक है। अब आप हेडिंग डालेगा, अब इसी क्वेश्चन का आंसर है, हेडिंग है ओके। देखो मैं फिर कहूंगा, इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज द थिंग्स, ये बहुत आसान काम है कि साहब आपने लोन ले रखा है 6% के रेट पर, हमें क्यों 6% के रेट पर मिलेगा। लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी भी एक फाइनेंशियल वर्थ है, अगर कंपनी को लोन मिल सकता तो हमें भी लोन मिलना चाहिए। आपका डिस्प्यूट बहुत छोटा सा डिस्प्यूट है कि जी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो मेरा 8% होना चाहिए, मेरा 9% होना चाहिए, इस मैटर का ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन इस मैटर का ध्यान मैं इसलिए नहीं रख सकता हूं, उसका एक ही रीजन है कि ये है आर्बिट्रेज प्रोसेस ऑफ एम एंड एम। इससे बड़ा जवाब मैं क्या दूंगा, आप इसको लाख क्रिटिसाइज करिए, लेकिन मैं हमेशा से यही सोचता हूं कि यह अप्रोच मुझे क्या सिखाना चाहती, मैं ये बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि आप मुझे क्या नहीं सिखाना चाहते। क्रिटिसिज्म अपनी जगह, पर पॉजिटिव पॉइंट्स को लेना अपनी जगह, ठीक बात है। एक बार याद रखिए, क्रिटिसिज्म को झेलने के लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए होती। एक शेर सुनाओ मैं आप लोगों, ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सके तो जिंदगी में अमल करिएगा। गलत बात, गलत, ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ये मैच्योर्ड रिएक्शन नहीं है ना। बड़ी सीधी सी बात है, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। मुखालफत मींस क्रिटिसिज्म, शख्सियत पर्सनैलिटी, निखरती अपलिफ्टमेंट। क्रिटिसिज्म लीड्स टू अपलिफ्टमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, अपने दुश्मनों का मैं एहतराम करता हूं। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से थैंक्स टू माई एनिमीज। क्रिटिसिज्म लीड्स टू अपलिफ्टमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, सो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से थैंक्स टू माई एनिमीज। है ना बोलिए, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, अपने दुश्मनों का मैं एहतराम करता हूं। चलिए हेडिंग डालिएगा, हेडिंग है अल्टरनेटिव आर्बिट्रेज प्रोसेस, अल्टरनेटिव आर्बिट्रेज प्रोसेस। हमने जो आर्बिट्रेज प्रोसेस डिस्कस किया है वो ठीक है, लेकिन वो सिक्के का एक पहलू है। आप एक बात डिस्कस कर रहे हैं, आप शेयर होल्डर के डिविडेंड इनकम को बढ़वा रहे हैं, पर एक दूसरा भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आइए हम उसको नाम देते हैं अल्टरनेटिव आर्बिट्रेज प्रोसेस। एक बार याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आपसे हम ये उम्मीद लगाते हैं कि आप इन दो में से कोई एक आंसर दोगे।
आप दोनों आंसर नहीं दोगे और जो भी एक आंसर आप दोगे उसके हिसाब से उसको चेक किया जाएगा और उसके हिसाब से नंबर दे दिए जाएंगे। आपको कोई एक आंसर देना है, आपको दोनों आंसर नहीं देने। तरीका क्या है अल्टरनेटिव आर्बिट्रेज प्रोसेस में? स्टेप वन, स्टेप टू सेम एज अबव, सेम एज अबव। स्टेप वन क्या है कि आप पुराने शेयर बेचें 10,800 रुपयों में। स्टेप टू क्या है, 6,000 का लोन ले 6% के रेट पर, आपके पास टोटल फंड्स हो गए 10,800 जमा 6,000 16,800 रुपए। पहले दो स्टेप्स में कोई चेंज ना किया जाए। स्टेप थ्री लिखेगा, मिनिमम डिजायर्ड इनकम, क्या लिखा आपने, मिनिमम डिजायर्ड इनकम। डिविडेंड अर्लियर रिसीविंग फ्रॉम कंपनी एक्स, देखिए जब मैं कंपनी एक्स का शेयर होल्डर था तो मुझे कंपनी एक्स से कितना डिविडेंड मिला करता था, 1,440 रुपए। मैं जी इसे सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं अगर ये इनकम मेरे पास पहले थी तो ये इनकम मेरे पास अब भी होनी चाहिए। फिर आप लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, छह परसेंट के रेट पर आपने 6,000 रुपए का लोन लिया है तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 360 रुपए। कुल मिलाकर बताएं 1,800 रुपए। देखो जी 1,800 की इनकम तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। मान लो आप 1,800 कमाते हो तो इसका मतलब आप पुरानी इनकम भी मेंटेन कर रहे हो और आप नया इंटरेस्ट का खर्चा भी एब्जॉर्ब कर रहे हो। क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है? मैं कहता हूं कमाई ज्यादा ना भी हो, इतनी कमाई तो होनी ही चाहिए ताकि इनकम लेवल मेरा मेंटेन रहे। अब आप लिखेगा स्टेप फोर। आइए पहले स्टेप फोर को हम समझ लें। आप कहते हो कि जी मुझे 1,800 रुपए कमाने, मतलब अब मुझे कंपनी वाई के पास जाके 1,800 रुपए कमाने। कंपनी वाई ने कहा अगर आप मेरे पास आओगे और मेरा एक शेयर खरीदोगे तो 12 पैसे का डिविडेंड हम देंगे हम आपको। हमने कहा 12 पैसे के हिसाब से सोचे तो फिर हमें आपके 15,000 शेयर तो खरीदने पड़ेंगे ना। अगर हम आपके 15,000 शेयर खरीद लेते, आप हमें एक शेयर पर 12 पैसे का डिविडेंड देते तो हो गए 1,800 का, हो गए 1,800 की कमाई। तो इसका मतलब अगर इनकम लेवल मेंटेन करना है तो मुझे 15,000 शेयर वाई के खरीदने होंगे। वाई का एक शेयर मिलता है 1 रुपए में तो 15,000 शेयर खरीदने के लिए मुझे 15,000 रुपयों की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जबकि स्टेप नंबर टू में आप कह चुके हैं कि आपकी जेब में है 16,800 रुपए, तो 16,800 में से 1,800 अपनी जेब में रखिए। उसका क्या करना है हम उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, पर 1,800 रुपए अपनी जेब में रखिए, बाकी 15,000 इन्वेस्ट करिए। ऐसे हालात बनेंगे कि पुरानी इनकम भी मेंटेन होगी, नया इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा भी एब्जॉर्ब होगा। लिखे इस बात को, इन केस ऑफ कंपनी वाई, इन केस ऑफ कंपनी वाई कॉमा डिविडेंड पर शेयर इज 12 पैसे 0.12। इन केस ऑफ कंपनी वाई डिविडेंड पर शेयर इज 12 पैसे 0.12 फुल स्टॉप।
द इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर, द इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर इज टू अर्न, द इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर इज टू अर्न टोटल डिविडेंड ऑफ रुपीस 1800 फ्रॉम कंपनी वाई, फुल स्टॉप. फॉर दिस पर्पस कॉमा ही हैज टू परचेज 15,000 शेयर्स ऑफ कंपनी वाई एंड ही हैज टू मेक टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 15,000. ठीक है ना, 15,000 की इन्वेस्टमेंट करिए. आगे लिखिएगा, सिंस टोटल फंड्स अवेलेबल, सिंस टोटल फंड्स अवेलेबल आर रुपीज 16,800, 16,800 रुपए. सिंस टोटल फंड्स अवेलेबल आर रुपीज 16,800 कॉमा द इन्वेस्टर कैन रिड्यूस, द इन्वेस्टर कैन रिड्यूस हिज इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टर कैन रिड्यूस हिज इन्वेस्टमेंट बाय रुपीज 1,800 डिस्पाइट मेंटेनिंग द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ इनकम, डिस्पाइट मेंटेनिंग द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ इनकम. बात ये कि पहले आप लीवर्ड कंपनी के शेयर होल्डर थे, अब आप अनलीवर्ड कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं. इस कंटेक्स्ट में आपको एडवांटेज मिल सकता है. बस ओके, मैं भी नहीं कह रहा हूं. बेसिकली ये लीवर्ड होने का एडवांटेज है और अनलीवर्ड कंपनी में जाने का एडवांटेज. रीजन आप जो मर्जी आइडेंटिफाई करें, पर एमएनएम ने ऐसी दो कंपनियां आइडेंटिफाई करी जिसमें एक में डेट है दूसरे में डेट नहीं है. यहां से वहां जाओगे और प्रोपोर्शनली डेप्ट रेस करोगे तो आप फायदे में रहोगे. ये आर्बिट्रेज प्रोसेस का नेट कंक्लूजन है. अब आप एक काम करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा. प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 12. टू कंपनीज एक्स एंड वाई बिलोंग टू इक्विवेलेंट रिस्क ग्रुप. द टू कंपनीज आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट कंपनी वाई इज लीवर्ड वाइल एक्स इज अनलीवर्ड. द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डेट ऑफ द लीवर्ड कंपनी इज रुपीज 6 लाख इन 10% डिबेंचर्स. द अदर इंफॉर्मेशन फॉर द टू कंपनीज इज एज फॉलोज. एक्स और वाई पहले आपको दे रखा है ईबीआईटी, इंटरेस्ट माइनस करा गया आ गया एनआई, फिर लिखा केई, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला गया, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ऐड किया गया, टोटल वैल्यू फर्म आ गया. ऐसे तो एन आई अप्रोच के हिसाब से हमने बड़े सारे क्वेश्चन कर रखे. एन इन्वेस्टर ओन्स 5% इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी वाई. शो द प्रोसेस एंड द अमाउंट बाय विच ही कुड रिड्यूस हिज आउटले थ्रू द यूज ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस. ये क्या चाहते हैं हमसे? हाँ, ये अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करना चाहते हैं ना. इसका मतलब जो हमने अभी पढ़ा था वो जो अल्टरनेटिव आर्बिट्रेज प्रोसेस था ये वही. खैर लिखिएगा, स्टेप वन, स्टेप वन
स्टेप वन लिखिएगा, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस द इन्वेस्टर इज होल्डिंग, द इन्वेस्टर इज होल्डिंग 5% शेयर्स, 5% शेयर्स इन कंपनी वाई, फुल स्टॉप, ही विल डिस्पोज ऑफ, ही विल डिस्पोज ऑफ दिस शेयर होल्डिंग फॉर रुपीस, ही विल डिस्पोज ऑफ दिस शेयर होल्डिंग फॉर रुपीस 22,500, ब्रैकेट्स में लिखेगा 5% ऑफ रुपीस 4,50,000। आपके पास कंपनी वाई के 5% शेयर हैं। एक जगह क्वेश्चन कहता है, लिसन प्लीज, कंपनी वाई के सभी इक्विटी शेयर की कीमत 4.5 लाख है, पर हमारे पास तो खाली 5% शेयर है, तो हमारे 5% शेयर की कीमत हो गई 22,500 रुपए। हमने अपने हिस्से के शेयर बेच दिए, अपनी जेब में आ गए 22,500 रुपए। अब आइए स्टेप टू की तरफ, अब आपको लोन लेना पड़ेगा। आप बताइए, पहले आप जिस कंपनी के शेयर होल्डर थे उस कंपनी ने कितना लोन ले रखा था? तो कंपनी 6 लाख का लोन अगर ले सकती है तो आप भी 5% 30,000 का लोन लेने के लिए कैपेबल हैं। कंपनी ने जिस रेट पर ले रखा है 10% के रेट पर, उस रेट पर आप भी ले लीजिए। लिखेगा स्टेप नंबर टू, द इन्वेस्टर विल बोरो, द इन्वेस्टर विल बोरो रुपीज 30,000 एट रेट ऑफ 10%। द इन्वेस्टर विल बोरो रुपीज 30,000 एट रेट ऑफ 10%, फुल स्टॉप। हेंस टोटल फंड्स अवेलेबल, टोटल फंड्स अवेलेबल विद द इन्वेस्टर विल नाउ बिकम रुपीस 52,500। क्या लिखा आपने? 52,500 के ब्रैकेट्स में लिखेगा 22,500 प्लस 30,000। स्टेप नंबर थ्री पर आइएगा, हेडिंग है मिनिमम डिजायर्ड इनकम, डिविडेंड अर्लियर रिसीविंग फ्रॉम कंपनी वाई। हम पहले कंपनी वाई के 5% शेयर होल्डर थे, हमें कंपनी वाई के प्रॉफिट में 5% हिस्सा मिलता था। कंपनी वाई का टोटल प्रॉफिट था 90,000 रुपए। उसका 5% बताएं, 4,500 रुपए। ये डिविडेंड चला तो गया पर हम इसे जाने देना चाहते थे, ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन आपने लिया है 10% के रेट पर, लोन आपने लिया है 30,000 रुपयों का, तो इंटरेस्ट कितना देना होगा? 3,000 रुपए। दोनों का टोटल बताया जाए,
7,500 रुपए, 7,500 तो आपको मेंटेन करना ही होगा। अब देखते हैं इसे मेंटेन हम करेंगे कैसे। स्टेप फोर, चलिए आइए कंपनी एक्स के बारे में बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कंपनी एक्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी एक्स अपने सभी शेयर होल्डर्स में कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है बताइए। कंपनी एक्स अपने सभी शेयर होल्डर्स में कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है? 1,50,000 रुपए। फिर बताइए कंपनी एक्स के सभी इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है? 10,00,000 रुपए। हां, अगर आप सारे शेयर खरीद लो 10,00,000 के, तो 1.5 लाख का डिविडेंड हर साल आपका तय हो गया। पर आपने कहा जी मुझे 1.5 लाख का डिविडेंड कमा के क्या करना है, मुझे तो डिविडेंड कमाना है 7,500 ताकि मैं प्रेजेंट सिस्टम को मेंटेन कर पाऊं। तो अगर मैं 7,500 का डिविडेंड कमाना चाहता हूं तो मुझे शेयर्स कितने रुपयों के खरीदने होंगे? क्या जवाब है? 50,000। जबकि स्टेप नंबर टू में आपने लिखा है कि आपकी जेब में है 52,500, तो 2,500 अपनी जेब में रखिए, 50,000 इन्वेस्ट करिए और प्रेजेंट इनकम मेंटेन करिए और इंटरेस्ट ऑन लोन के खर्चे को एब्जॉर्ब करिए। लाइए इस बात को हम लिखें स्टेप नंबर फोर में। इन केस ऑफ कंपनी एक्स, इन केस ऑफ कंपनी एक्स टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द इक्विटी शेयर्स, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द इक्विटी शेयर्स इज रुपीज 10,00,000। एंड टोटल डिविडेंड ऑफ रुपीज 1,50,000, टोटल डिविडेंड ऑफ रुपीज 1,50,000 इज पेड टू ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स, टोटल डिविडेंड ऑफ रुपीज 1,50,000 इज पेड टू ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये कंपनी एक्स के बारे में आप जरूरी जानकारी दे रहे हैं, लिखेगा द इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर, द इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर इज टू अर्न, इज टू अर्न डिविडेंड ऑफ रुपीज 7,500, द इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर इज टू अर्न डिविडेंड ऑफ रुपीज 7,500 फ्रॉम कंपनी एक्स, फुल स्टॉप। फॉर दिस पर्पस कॉमा ही हैज टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 50,000 रुपए। फॉर दिस पर्पस ही हैज टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 50,000 कैसे आया आप इस बात को समझ रहे हैं? 10,00,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाइड विद 7,500, ठीक है ना। और इसके आगे आप लिखेंगे सिंस टोटल अवेलेबल फंड्स, सिंस टोटल अवेलेबल फंड्स आर रुपीस 52,500, सिंस टोटल अवेलेबल फंड्स आर रुपीज 52,500 कॉमन, द इन्वेस्टर कैन रिड्यूस हिज इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टर कैन रिड्यूस हिज इन्वेस्टमेंट बाय रुपीज
2500 by rupees 2500 despite maintaining the present amount of income. लिखेगा कंसेप्ट नंबर 5, दिस इज एनओआई अप्रोच ऑफ M&M. कंसेप्ट नंबर 5 की हेडिंग डालेगा एनओआई अप्रोच ऑफ M&M. चलिए पहले आप इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखिएगा. आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखिएगा गिवन. KD, KE एंड टैक्स रेट. KD, KE एंड टैक्स रेट. रिक्वायर्ड नंबर 1, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म. इसके लिए जो एब्रीविएशन यूज किया जाएगा VU, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म VU. नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म. दो बातें आपसे पूछी जाएंगी, अगर फर्म में डेब्ट नहीं है तो उसकी कीमत बताइए, फर्म में डेब्ट है तो उसकी कीमत बताइए. फिर लिखेगा कैलकुलेशन प्रोसीजर. नंबर 1, अगर आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म VU, तो इसे कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है जो अभी आप लिख लीजिए, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इनको समझने की कोशिश करते. आप लिखेंगे EBIT मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस टैक्स रेट एंड डिवाइडेड बाय KE. अगर आपको लीवर्ड फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसका फार्मूला है VU प्लस, यानी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेप्ट मल्टीप्लाइड विद टैक्स रेट. फार्मूले तो है, तो बस दो ही छोटे से फार्मूले हैं, पर इनका बेस जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आते हैं और इनके बेस को समझने की कोशिश करते हैं. आइएगा पेज नंबर 78 पर और पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमिन द वैल्यू ऑफ फर्म यूजिंग ए नेट इनकम अप्रोच, बी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. आपके सामने फर्म पी और क्यू की कुछ डिटेल्स है. EBIT है 15% लोन, जिसमें 15% है KD, KE 20%, 20% टैक्स रेट 50%, 50%. लिखेगा ए पॉइंट की हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म
कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू एनआई अप्रोच। क्वेश्चन में दो बातें ना, एक एनआई अप्रोच से उन्होंने सवाल पूछा है, फिर उन्होंने एनओआई अप्रोच से भी सवाल पूछा। तो आइए पहले एनआई अप्रोच अडॉप्ट करी जाए। पर्टिकुलर्स फर्म पी और फर्म क्यू, आप मुझे बताएं क्वेश्चन में ईबीआईटी कितना दे रखा है? 225,000 रुपए। चलिए आपने सबसे पहले लिखा ईबीआईटी 225,000 रुपए। फर्म पी के पास 75,000 का डेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। आपने बताया 11,250 रुपए। फर्म क्यू के पास डेट नहीं है इसलिए वो इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो फिर आपको ईबीटी पता चलेगा। ठीक है ना? देखो जी, हमने पढ़ रखा है कि टैक्स रेट को एज्यूम नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर गिवन है तो फिर हम मना भी तो नहीं कर सकते। टैक्स रेट तो गिवन है ना, माइनस टैक्स एट रेट ऑफ 50%, दिस इज 106,875, 1,12,500। दिस वे वी विल बी एबल टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट इनकम एन आई। हां जी, आपने एन आई कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से, फिर आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहिए के ई। बताइए इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कितनी लिखी? 20%। आपने लिखा 20%। आप कैलकुलेट करिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाइएगा एन आई डिवाइडेड बाय के ई। एन आई आप जानते हैं 106,875, के ई 20%, डिवाइड करें 5,342,500। आइए हम इसमें ऐड करें मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। फर्म पी के पास तो डेट है ना 75,000 का, लेकिन फर्म क्यू के पास कोई डेट नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपने बताया 609,375 और आपने क्या बताया 5,62,500। ठीक है ना? ये आपने एनआई अप्रोच के हिसाब से आंसर दिया और ऐसी कैलकुलेशन हमने पहले बहुत कर रखी, बस इसमें टैक्स का रेट ही तो अलग से डील किया गया है और तो कोई इसमें नई बात है ही नहीं।
आपने इस क्वेश्चन के ए पॉइंट का आंसर दे दिया है, अब आप एक काम करिएगा, आप आइएगा इस क्वेश्चन के बी पॉइंट की तरफ और हेडिंग डालिएगा एनओआई अप्रोच ऑफ एम एंड एम, लिखिएगा एनओआई अप्रोच ऑफ एम एंड एम। अब ये बताइए कि फर्म पी और फर्म क्यू में से अनलीवर्ड फर्म कौन सी है, क्यू है। तो आइए फिर पहले फर्म क्यू का ही आंसर निकाल लेते हैं, चूंकि अनलीवर्ड फर्म है, क्यू एक अनलीवर्ड फर्म है, तो उसकी वैल्यू को मैं कहूंगा वी यू, और इसे कैलकुलेट करने का जो फार्मूला हमने इस अप्रोच में पढ़ा है वो है ई बी आई टी मल्टीप्लाइड विद वन माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय के ई, ये फार्मूला हमने पढ़ा ना। तो आप मुझे पहले बताइए ई बी आई टी क्वेश्चन में कितना लिखा है, 2,25,000। टैक्स रेट क्वेश्चन में कितना है, 50%। इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कितनी है, 20%। आंसर बताइए, 5,62,500। आइए अपने इस आंसर को हम एनआई अप्रोच के आंसर से कंपेयर करें। आप ये देखते हैं कि ये प्रोसीजर और उस प्रोसीजर में कोई फर्क ही नहीं, ऐसा लगता है कि पहले ये कैलकुलेशन वर्टिकली करी गई थी, फिर उसी कैलकुलेशन को हमने हॉरिजेंटली कर दिया। हम ये जानते हैं कि ई बी आई टी में से पहले इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए, पर इंटरेस्ट होगा तो माइनस करेंगे। जब आप बार बार ये बात स्ट्रेसफुली कह रहे हैं कि आपकी कंपनी अनलीवर्ड है, जब आपकी कंपनी में डेट है ही नहीं तो आप इंटरेस्ट माइनस कहां से कर देंगे, तो इसलिए इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है इस मुद्दे को तो उठा के कोई फायदा है ही नहीं। फिर उसके बाद वन माइनस टी से मल्टीप्लाई करके इनकम आफ्टर टैक्स हो जाती है, आफ्टर टैक्स इनकम इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटी जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 20% है, तो इसका मतलब कंपनी की कीमत तय करी जाए 5,62,500। जो एनआई अप्रोच का ओपिनियन है वही एनओआई अप्रोच का ओपिनियन है जहां तक अनलीवर्ड फर्म का सवाल है। पर देखते हैं लीवर्ड फर्म में यह पोजीशन कितनी एस्टेब्लिश होती है। चलिए आइए लीवर्ड फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करें, मेरा मतलब है लीवर्ड फर्म पी की वैल्यू कैलकुलेट करें। आप कुछ ऐसे लिखेगा वी एल इज इक्वल टू, देखिए सोच ये होनी चाहिए कि माना आपकी कंपनी अनलीवर्ड है, माना आपकी कंपनी लीवर्ड है, पर क्या इसको थोड़ी देर के लिए अनलीवर्ड माना जा सकता है, और अगर इसे अनलीवर्ड माना जाए तो इसका एक आंसर होगा ई बी आई टी वन माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय के ई। अनलीवर्ड का तो ये आंसर ऐसे ही आता है, लेकिन आपकी कंपनी में डेट है, इसका मतलब डेप्ट एक एडवांटेज वाली सिचुएशन होती है, इसका मतलब आपकी कीमत अनलीवर्ड फर्म के कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए। प्लस साइन का मतलब ये है, हम ये कहना चाहते हैं आपकी कीमत अनलीवर्ड फर्म के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर आप अनलीवर्ड होते तो आपकी कीमत होती, लेकिन चूंकि आप लीवर्ड है तो आपकी कीमत ज्यादा तय होनी चाहिए। कितनी ज्यादा तय होनी चाहिए
वो जो फार्मूला है वो क्या है, डेप्ट मल्टीप्लाइड विद टैक्स रेट। ईबीआईटी है 2,25,000 रुपए, टैक्स रेट है 50%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 20%, ओके, डेप्ट है 75,000, टैक्स का रेट है 50%। पहले आप ये आंसर बताइए, अगर आपकी कंपनी अनलीवर्ड होती तो आपकी वही कीमत होती जो फर्म क्यू की कीमत थी, लेकिन आपकी कंपनी लीवर्ड है तो आपकी कीमत फर्म क्यू के मुकाबले ज्यादा होनी चाहिए। हमने आपकी कीमत ज्यादा तय करी है 37,500 रुपए, हमारे हिसाब से आपकी कीमत होनी चाहिए 6,00,000 रुपए, और हमारा आंसर एनआई अप्रोच के आंसर से अलग है। हमने ऐसा कोई दावा कभी नहीं करा कि जी आंसर सेवाएं करते हैं, हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा। अब आइए कुछ जरूरी मुद्दों पे बात कर लेते हैं। इस बात पर आप सब लोग कंसेप्चुअली एग्री करते हैं कि लीवर्ड फर्म की वैल्यू अनलीवर्ड के मुकाबले ज्यादा होनी चाहिए, इस पर किसी को एतराज नहीं, कंसेप्चुअली आप ये बात सही मानते हैं। पर जो बात समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि जी ज्यादा कीमत तय करने का ये कौन सा तरीका हुआ भला, तो यही होना चाहिए ना बहस का मुद्दा। चलिए सवाल समझ में आ गया, अब इसका जवाब ढूंढते हैं। क्या ये बात सच नहीं कि डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट टैक्सेबल इनकम को कम करता है, और इंटरेस्ट की वजह से टैक्सेबल इनकम के कम होने की वजह से टैक्स बचाया जा सकता है। अगर आपका 50% का टैक्स रेट है, इसका मतलब आप में 50% टैक्स सेव करने का पोटेंशियल है, अकॉर्डिंगली हमने 50% टैक्स रेट लिखा। पर फिर इससे एक जुड़ा हुआ सवाल उठता है कि टैक्स की सेविंग लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं होती है, लोन के इंटरेस्ट अमाउंट पर होती, जबकि ये डेप्ट का अमाउंट है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट, अगर ये इंटरेस्ट का अमाउंट होता तो हम ये सवाल ही ना पूछते। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि डेप्ट के प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स बचाया जा रहा है, जबकि हमें इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स बचाना चाहिए। ठीक बात है, चलो अब ये फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो गया। देखो जी, हम एक कंपनी खरीदना चाहते हैं, इसने उस कंपनी की कीमत तय करी जा रही, पता चला जो कंपनी मैं खरीदना चाहता हूं उसमें डिबेंचर्स हैं। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, डिबेंचर्स मेरे को फायदा देंगे, मैं इन डिबेंचर्स पर फ्यूचर में इंटरेस्ट देता देकर टैक्सेबल इनकम कम करवाऊंगा, और टैक्सेबल इनकम के कम करवाने से मैं अपना टैक्स बचाऊंगा। ये मेरी सोच जा रही है सही डायरेक्शन की तरफ। अब आप क्वेश्चन पढ़ के बताइएगा, इस कंपनी के डिबेंचर कितने साल के बाद रिडीम होंगे? नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन में था। अच्छा बताओ कितने सालों में कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, बताओ कितने साल के बाद डिबेंचर रिडीम होंगे, उतने साल का टोटल इंटरेस्ट बताओ, ताकि उसके ऊपर मैं टैक्स सेविंग प्रोजेक्ट कर सकूं और उसके बेसिस पर मैं कंपनी की आज की कीमत तय कर सकूं। सवाल ने कहा जी इतनी सारी बातें अगर बतानी होती तो फिर बातें क्या थी, अब हमको इतनी सारी बातें नहीं बता, बस इतना ही है जो हमें मालूम था हमने बता दिया। हमने कहा तो फिर बुरे फंसे। M&M ने एक एजम्पशन ली जिसको आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं, पर मैं जो एजम्पशन बदलने वाला तो हूं नहीं, जो है सो ये एजम्पशन ये है, आप सब लोग सुन ले, मानो डिबेंचर्स इतने साल बाद रिडीम होंगे, कितने साल बाद,
जितने साल का टोटल इंटरेस्ट खुद प्रिंसिपल लोन के बराबर होगा। मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 10 साल तो क्या 10 साल में 100% इंटरेस्ट नहीं होगा? तो एमएनएम के एक एजम्पशन है, लोन तब तक रहेगा जब तक इंटरेस्ट खुद लोन के बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब फ्यूचर में 75,000 का अगर डेप्ट है तो 75,000 का इंटरेस्ट भी होगा, और अगर 75,000 का इंटरेस्ट होगा और टैक्सेबल इनकम 75,000 से कम हो गई तो फ्यूचर में मैं 37,500 का टैक्स बचा सकता हूं, और अगर मैं इसका इतना टैक्स बचा सकता हूं तो कंपनी की कीमत तय करते समय इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अब आपको चैलेंज करना है तो क्लास के बाद जाके एक दूसरे को चैलेंज करते रहिएगा, है ना। आप आइएगा, देखो देखो सोच को भी तो समझिए। अगर मैं मानू कि कंपनी में डेट है ही नहीं, फिर तो उसका मतलब इंटरेस्ट भी नहीं है। है जरूर, पर अगर थोड़ी देर के लिए इसको अनलिवर्ड माना जाए तो ईबीआईटी और ईबीटी का एक ही तो मतलब हो गया। मैं असल में कहना यह चाहता हूं कि आपकी कीमत फर्म क्यू के ही बराबर है अगर आपकी फर्म में डेप्ट नहीं होता तो। लेकिन डेप्ट है तो आइए उस मुद्दे पर अलग से बात कर लेते। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आइएगा। कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई आर इन सेम रिस्क क्लास एंड आर आइडेंटिकल इन एवरी मैनर एक्सेप्ट दैट कंपनी एक्स यूसेस डेप्ट व्हाइल कंपनी वाई डज नॉट। द लीवर्ड फर्म हैज ₹9 लाख डिबेंचर्स कैरिंग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोथ द फर्म्स अर्न 20% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन देयर टोटल एसेट्स ऑफ ₹15 लाख। एज्यूमिंग टैक्स रेट ऑफ 50%, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 15%, यू आर रिक्वायर्ड टू नंबर 1 कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फर्म यूजिंग एनआई अप्रोच एंड नंबर 2 यूजिंग एनवाई अप्रोच। लिखेगा नंबर 1 एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच के हिसाब से आप वही कॉलम्स बना लीजिए, पर्टिकुलर्स, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। आइए शुरुआत करते हैं ईबीआईटी से। क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास टोटल एसेट हैं 15 लाख रुपए और इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की आपकी इनकम है 20%। तो ईबीआईटी कितना लिखा जाए? 3 लाख। चलिए इंटरेस्ट माइनस करेगा। क्वेश्चन कहता है जो लीवर्ड फर्म है, और लीवर्ड फर्म कौन सी है? कंपनी एक्स। उसके पास 9 लाख के डिबेंचर हैं और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, कंपनी वाई के पास तो डेप्ट है नहीं। ईबीटी लिखा जाए 2,10,000 और 3 लाख रुपए लिखा जाए। टैक्स आपको देना है 50%। हां
अच्छा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में कितना दे रखा है? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 15%। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करें, एनआई डिवाइडेड बाय के ई, 7 लैक्स एंड 10 लैक्स। ₹7 लाख और ₹10 लाख ये आपने कैलकुलेट किया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। आप इसमें ऐड करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, कंपनी एक्स में डेप्ट है ₹9 लाख, कंपनी वाई में तो कोई डेप्ट है नहीं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म ₹16 लाख और ₹10 लाख। चलिए आइए एनवाई अप्रोच के हिसाब से आंसर दे। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी वाई ईबीआईटी मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय के ई, ईबीआईटी है ₹3 लाख, टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखा है 50% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%। क्या आंसर आ गया? 10 लाख। वही आंसर आ गया क्योंकि अनलीवर्ड फर्म का आंसर हमेशा सेम ही आता है। ये लीवर्ड फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वही फॉर्मूला हम जानते हैं। लीवर्ड फर्म के पास डेप्ट का अमाउंट कितना है? ₹9 लाख और टैक्स का रेट कितना है? 50%। तो ये हो गया ₹10 लाख जमा ₹4.5 लाख, दोनों का टोटल कितना हो गया? ₹14,50,000। तो हमने ये जो दोनों क्वेश्चन करे हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही क्वेश्चन थे, आंसर देने का प्रोसीजर भी एकदम सेम ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ईबीआईटी ऑफ ए फर्म, ईबीआईटी ऑफ ए फर्म इज ₹2,10,000, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 16%, वैल्यू ऑफ 12% डेट इज ₹3 लाख, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म यूजिंग एनवाई अप्रोच इफ टैक्स रेट इज 30%। तो क्वेश्चन में डेप्ट के बारे में डिटेल्स दे रखी है, इसका मतलब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। आप कैलकुलेट करना चाहते वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, अगर इसे अनलीवर्ड मान लिया जाए तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है ईबीआईटी मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय के ई। पर ये लीवर्ड है,
इसमें डेब्ट पर टैक्स एडवांटेज कंसिडर किया जाना चाहिए? हाँ, तो आपने बताया ईबीआईटी 2,10,000 रुपए, टैक्स रेट आपने बताया 30%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने बताया 16%, डेब्ट का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 3,00,000 रुपए और टैक्स रेट है 30%। पहले आप ये बताइए, अनलिवर्ड फर्म होती तो आंसर क्या होता? 918750 पर डेब्ट का टैक्स एडवांटेज कितना है? 90,000। तो फर्म की वैल्यू कितनी तय करी जाए? 10,08,750। फर्म की वैल्यू तय हुई 10,08,750। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं छोड़ते हैं। थैंक यू।